वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे वो सभी फ्रेजल वर्ब्स जिनकी शुरुआत होती है अल्फाबेट एस से। पिनाकल की ओर से एक पूरी सीरीज है अल्फाबेट ए से लेकर अल्फाबेट जेड तक, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए कवर किए हैं। और ये जो पूरी सीरीज है ये हिंदी भाषा में भी बनाई गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, और साथ ही ये इंग्लिश भाषा में भी बनाई गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सदर्न इंडिया से या नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। तो आपको जो सूट करे आप वो वाली प्रेजेंटेशन देखिए। तो शुरुआत करते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विद एस से। पहला वाला है सेव अप। सेव अप का मतलब होता है भविष्य के लिए बचत करना। My son is saving up for a new cycle. He is saving up for a new mobile phone. तो आप बचत कर रहे हैं क्योंकि आप फ्यूचर में कुछ खरीदना चाहते हैं। He is saving up for his new house. Screw up. Screw up का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। Screw up, जैसे बारिश हो जाए, आपका प्लान रद्द हो जाए, कोई पिकनिक स्क्रू अप हो जाए, इस तरह से। If you screw something up, you ruin it or you do it in the wrong way. The rain screwed up the outdoor party. Screwed up का प्रयोग हम जॉब के साथ, एग्जाम, टेस्ट, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, demonstrations इत्यादि इन सभी के साथ कर सकते हैं। Off. Seal off means to stop people from going into an area. इसका मतलब होता है लोगों को किसी एरिया में जाने से रोकना। आपने कभी देखा है अगर कहीं कोई क्राइम होता है, दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो पुलिस वहां आती है और उस पूरे एरिया को वो सील ऑफ कर देते हैं। सील ऑफ इसका मतलब यही होता है कि किसी एरिया को बाकी एरिया से सेग्रीगेट कर देना, सेपरेट कर देना। इट मीन्स टू स्टॉप पीपल फ्रॉम गोइंग इनटू एन एरिया और अ बिल्डिंग ऑफन बिकॉज इट इज अनसेफ। आफ्टर द एक्सप्लोजन द पुलिस सील्ड ऑफ द होल एरिया। नेक्स्ट है सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है किसी को छोड़ने के लिए, बाय करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए स्टेशन जाना, एयरपोर्ट जाना, रेलवे स्टेशन वगैरह जाना, उनको छोड़ने के लिए जहां से वो एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो इफ यू सी समबडी ऑफ यू गो टू द प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर बिगिनिंग अ जर्नी लाइक एन एयरपोर्ट और अ रेलवे स्टेशन एंड यू विश देम वेल एज दे लीव। इसको कहते हैं सी ऑफ। आई गेट इमोशनल व्हेन आई गो टू सी ऑफ फैमिली मेंबर्स। सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब क्या है? सी थ्रू का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, तो आप समझ रहे हैं कि उसने मुझे चीट किया है, आप बेवकूफ नहीं बन रहे हैं। ये होता है टू सी थ्रू। आई कुड सी थ्रू हिज एक्टिविटीज दैट ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। मैं ये बात समझ रहा था। इसका मतलब होता है अनकही बातों को भी समझ जाना। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई हैड वन द लॉटरी बट आई सॉ थ्रू देयर लिटिल जोक। मैं समझ गया कि वो मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगला है हमारा सी टू। सी टू का मतलब होता है, बहुत बार आप सुनेंगे लोगों को ये कहते हुए, आई विल सी टू दिस। इफ यू सी टू समथिंग यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट एंड मेक श्योर दैट इट इज गोइंग टू बी डन। सी टू का मतलब होता है आई विल सी टू इट दैट द एग्जाम इज कंडक्टेड ऑन टाइम, आई विल सी टू इट दैट नोबडी चीट्स। मतलब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये हो या फिर ये कोई घटना, कोई चीज ना हो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं आपको टाइम पर स्टेशन से पिक कर लूं। आई विल सी टू इट दैट आई पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन ऑन टाइम। द मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड दैट ही विल सी टू इट दैट द मैच विल टेक प्लेस एज शेड्यूल्ड। सेंड बैक एंड सेंड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंड बैक का मतलब होता है कोई चीज लौटा देना डिलीवरी के बाद, और आपने लौटा दी क्योंकि उसमें दिक्कत थी, रिटर्न कर देना। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाया है, कोई रिस्ट वॉच मंगाई है, कोई मोबाइल मंगाया है, और वो डिफेक्टिव निकले, यू विल सेंड बैक द प्रोडक्ट। ही डिसाइडेड टू सेंड बैक द केक टू द बेकरी एज इट स्मेल्ड स्टेल। सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब होता है, इट्स मीनिंग इज टू आस्क फॉर समवन टू कम टू यू, किसी के लिए बुलावा भेजना, बुलावा भेजना। और बुलावा कैसे भेजें कि जाओ उसको बुला कर लेकर आओ, बुलावा भेजना। द कोर्ट हैज सेंड फॉर एन इंक्वायरी, द किंग हैज सेंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब है कि किसी के लिए बुलावा भेजना। इफ समवन गेट्स हर्ट सेंड फॉर एन एम्बुलेंस एंड डॉक्टर स्ट्रेट अवे। लोग एम्बुलेंसेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, मैकेनिक, प्लम्बर्स, टैक्सी एटसेट्रा, इन सब के लिए बुलावा भेजते हैं। दैट इज टू सेंड फॉर। और ये है सेंड ऑफ। वो सेंड फॉर था और ये है सेंड ऑफ।
सेंड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज डिस्पैच कर देना, कोई चीज भेजना, कोई मेल डिस्पैच करना, कोई कोरियर सर्विस एटसेट्रा, पोस्ट वगैरह डिस्पैच करना. इफ यू सेंड द ऑर्डर्स ऑफ ऑन ट्यूजडे दे शुड अराइव ऑन फ्राइडे, यानी कि अगर आप ट्यूजडे को डिस्पैच करेंगे तो हमें फ्राइडे को मिल जाएंगे. तो डिस्पैच करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, डिस्पैच करने के लिए सेंड ऑफ का इस्तेमाल किया गया है. सेट अबाउट, सेट अबाउट का मतलब होता है टू बिगिन डूइंग समथिंग दैट विल प्रोबेबली टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट और अ लॉन्ग टाइम. सेट अबाउट का मतलब है किसी चीज की शुरुआत करना. सेट अबाउट द वर्क, सेट अबाउट द टास्क. ही टुक टू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क एंड सेट अबाउट लुकिंग फॉर अ चीपर अकोमोडेशन. सेट असाइड, ये हमें और भी इसी सिमिलर मीनिंग वाले हमने और भी फ्रेजल वर्ब्स देखे हैं दूसरे अल्फाबेट्स में. ये है सेट असाइड. सेट असाइड का मतलब होता है पुट असाइड, अलग रखना, बचत करना, भविष्य के लिए बचाना. सेट असाइड. आई सेट असाइड सम मनी एवरी मंथ एज आई एम प्लानिंग टू बाई अ न्यू मोबाइल. सेट बैक, सेट बैक इट मीन्स टू मेक समथिंग हैपन मोर स्लोली. अगर चीजों के होने में, घटित होने में टाइम लग रहा है, स्लो हो रही है पूरी प्रोसेस, तो ऐसी सिचुएशन में डिले हो रहा है, तब हम कहते हैं सेट बैक हो गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग्स कंप्लीशन डेट वॉज सेट बैक अ फ्यू वीक्स बाय द फ्लड्स. कोई घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, मान लीजिए स्ट्राइक वगैरह हो जाए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो सेट बैक हो गया. दैट इज सेट बैक. सेट डाउन एंड सेट ऑफ. सेट डाउन का मतलब होता है इफ यू सेट समथिंग डाउन यू पुट इट इन राइटिंग. चीजों को लिखित में या राइटिंग में कर देना. सेट डाउन द रूल्स, सेट डाउन द रेगुलेशंस, सेट डाउन व्हाट यू वांट टू से. माय सेक्रेटरी विल सेट द डिटेल्स डाउन इन एन ऑफिशियल कंपनी मेमो. सिंपल है इसका, टू पुट इट डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में कर देना. टू सेट डाउन द रूल्स एटसेट्रा. सेट ऑफ, किसी जर्नी की शुरुआत करना. लीव, सेट फोर्थ, किसी यात्रा पर निकलना. इफ दे सेट ऑफ एट 10 o'clock दे शुड अराइव बाई मिड डे. सेट आउट एंड सेट अप. सेट आउट मीन्स टू बिगिन डूइंग समथिंग, किसी काम की शुरुआत करना. और आप काम की शुरुआत कर रहे हैं अपने दिमाग में एक डेफिनेट गोल लेकर. मान लीजिए आप पढ़ाई करनी शुरू करते हैं आज, और आप ये कहते हैं कि 6 महीने के अंदर मेरा जो स्कोर है इंग्लिश में वो 50 में से 40 हो जाना चाहिए. सो आप एक लक्ष्य को लेकर उस दिशा में जा रहे हैं. यू हैव सेट आउट ऑन अ गोल. आप ये कह रहे हैं कि मेरे 200 में से कम 150 मार्क्स आने चाहिए, तो फिर यू हैव सेट आउट ऑन अ गोल. इट मीन्स टू बिगिन डूइंग समथिंग, किसी काम की शुरुआत करना, एक ऑब्जेक्टिव को, एक लक्ष्य को आपके दिमाग में लेकर. They set out with the aim of becoming one of the leaders in the education industry. और set up का मतलब क्या होता है? Set up का मतलब होता है स्थापित करना. स्थापित करना, it means कोई company स्थापित करना, कोई foundation, कोई NGO, कोई orphanage, कोई old age home, etc. Establish करना. Establish करना इसका simple word है. Set up का मतलब हुआ establish करना. मदर टेरेसा सेट अप ऑर्फेनेजेस एंड चैरिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. कंपनी, बिजनेस, फंड, फाउंडेशन, स्कॉलरशिप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, नेटवर्क, कमिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सभी सेटअप होती हैं. आम आदमी पार्टी वॉज सेटअप विद द इंटेंशन टू फ्री इंडिया ऑफ करप्शन. तो ये है सेटअप. एक और है हमारा सेटअप, उसका भी हम मीनिंग देखते हैं. सेटअप का मतलब ये भी होता है, इट मीन्स टू पुट टुगेदर और अरेंज पार्ट्स ऑफ समथिंग बिफोर यूजिंग इट अप. आजकल बहुत सारी चीजें हैं, स्पेस की कमी है, तो वो पार्ट्स में आते हैं, जैसे मिक्सर जूसर्स वगैरह आते हैं पार्ट्स में. हमें क्या करना होता है, उसको इस्तेमाल करने से पहले उसके सभी पार्ट्स एक साथ जोड़ने होते हैं. तो ये सेटअप करना हुआ. वंस द टेंट वॉज सेटअप वी सेट आउट कलेक्टिंग फायरवुड. जैसे ही तंबू लग गया हम इधर उधर लकड़ी की तलाश में गए. स्टेज सेटअप होता है, कैमरा सेटअप होता है, इक्विपमेंट, स्टूडियो, ड्रम किट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डेक चेयर्स, वॉलीबॉल नेट्स, ये सभी सेटअप होते हैं. सेटल डाउन. सेटल डाउन का मतलब होता है शांत हो जाना, काम डाउन हो जाना, और खासकर तब जब इससे पहले आप उत्तेजित और नॉइजी थे. तो अब आप शांत हो गए हैं, मामला सेटल डाउन हो गया है, सेटल डाउन हो जाना.
Whenever the kids got too noisy, the teacher would tell them to settle down and get on with their work. Settle down का मतलब ये भी होता है कि अब आप लाइफ में थोड़े स्टेबल हो गए हैं, आपके पास एक प्रॉपर जॉब है, और खासकर शादी वगैरह होने के बाद लोग इस तरह से कहते हैं कि ही हैज सेटल्ड डाउन. ही हैज सेटल्ड डाउन का मतलब होता है कि एक प्रॉपर जॉब होना और मैरिज हो जाना, सेटल डाउन. दीज डेज पीपल जनरली सेटल डाउन बाय द एज ऑफ 30. अगला है हमारा सेटल फॉर. सेटल फॉर, सेटल फॉर का मतलब होता है इट मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग इवन दो इट इजंट रियली व्हाट यू रियली वांट. मान लीजिए आप अपनी कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं और आप उसको बेचना चाहते हैं 2 लाख रुपए में, लेकिन आपको जो ऑफर मिल रही है अभी ज्यादा से ज्यादा वो मिल रही है 1.5 लाख रुपए की, और आप फाइनली सोचते हैं चलो मैं यही ले लेता हूं, हो सकता है बाद में 1.5 लाख भी ना मिले. तो हम ऐसे कहेंगे कि ही सेटल्ड फॉर 1.5 लाख. आपने कोई ऐसी चीज स्वीकारी जो आप एक्चुअली स्वीकार करना तो नहीं चाह रहे थे, पर आपने स्वीकार कर लिया, तो सेटल फॉर. If you want to be happy in life, don't settle for a job just because it is easy or it pays good money. Settle in. Settle in का मतलब होता है किसी नई जगह पर finally comfortable हो जाना और वहां पर माहौल से adjust कर लेना. That is to settle in. Settle in a new home, settle in a new country, settle in a new situation, in a new school, in a new job, in a new state, etc., etc. It took me about a month to settle in the new city. अगला है हमारा shake off. Shake off का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, और कोई ऐसी चीज जो आपके लिए दिक्कतें क्रिएट कर रही थी, आपके लिए दिक्कतें क्रिएट कर रही थी, उसके उन सिचुएशंस में हम यूज करते हैं shake off. I have had this cold for 2 weeks and I just can't shake it off. Shoot up and shop around. Shoot up का मतलब होता है बड़ी तेज गति से आगे बढ़ना. Shoot up, shooting star सुना है आपने? Shooting star क्या होता है? जो आसमान में आपको टूटते हुए तारे दिखते हैं वो shooting stars होते हैं. Shoot का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, और यहाँ पर तो साथ में phrasal verb में up भी दिया हुआ है, तो shoot up का मतलब होता है बहुत तेज गति से ऊपर की ओर जाना. Petrol prices shoot up करते हैं हर महीने, महंगाई shoot up करती है. It means to quickly increase in size, number or level. Her position in the film industry is shooting up every year. यानी कि हर साल उसकी जो position है film industry में वो ऊपर और ऊपर की ओर जा रही है. Shop around. Shop around का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए आसपास की सभी दुकानों में जाना और सही प्राइस पता लगाने की कोशिश करना ताकि आपको बेस्ट डील मिल सके. If you shop around, you go to several shops to find the lowest price. Once you have decided what kind of mobile you want, shop around to find the best prices. Shopping around के लिए women और girls बड़ी famous हैं. वो 10 दुकानों पर जाकर prices पता करती हैं और फिर लेती हैं. इसीलिए shopping उनकी hobby भी होती है. Shop around. Next is show off. Show off का मतलब होता है दिखावा करना. इसका मतलब simple है, दिखावा करना. दिखावा करना, आपके पास कोई चीज है, आप उसको flaunt कर रहे हैं दूसरों के सामने. To do something to get attention and admiration of people. और show off generally एक negative word है, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं. जैसे आप अपनी नई घड़ी show off कर रहे हैं, नई car show off कर रहे हैं, boys girls की attention पाने के लिए उनके सामने show off करते हैं. Show off. Show up. Show up का मतलब होता है किसी event पर आना, वहां पर अपनी हाजिरी लगाना, appear होना. It means to arrive at an event or a place where people are gathering. I could not turn up, I could not show up at the party. यहाँ पर show up कर दीजिए, ये एक typing error है. I could not show up at the party as I was not in town. Shut down and shut off. Shut down का मतलब होता है किसी चीज का बंद हो जाना. और क्या shut down हो सकता है? Hospital shut down हो सकता है, factory shut down हो सकती है, school shut down हो सकता है. और shut down का मतलब होता है permanently बंद हो गया है. कोई छुट्टी पर नहीं गए हैं, परमानेंटली बंद. सिंस द स्कूल वॉज रनिंग इन लॉसेज, सो द मैनेजमेंट हैज प्लान्ड टू शट इट डाउन. ऑल द फैक्ट्रीज इन द एरिया वर शट डाउन बाय द गवर्नमेंट एज दे वर पोल्यूटिंग द गंगा. ये होता है शट डाउन. शट डाउन का प्रयोग करते हैं हम फैक्ट्रीज के साथ, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, माइंस, एटसेट्रा, ये सभी शट डाउन होती हैं.
shut off. Shut off if a machine, a system or a supply shuts off or is shut off by someone, it stops. Shut off का मतलब होता है बीच में बंद पड़ जाना. The engine will shut off itself. The engine will shut itself off if it starts to overheat. और उसके बाद हमारा next वाला क्या है? Next है हमारा shut out and sign in. Shut out का मतलब होता है block out. Block out करना. अगर आप पर्दा खींचेंगे तो sunlight will be shut out. यानी कि sunlight जो है वो blocked हो जाएगी. Sign in. साइन इन का मतलब है किसी चीज के लिए रजिस्टर करना. आप जब भी अपने अकाउंट में जाना चाहते हैं, क्या है कि ऑप्शन नहीं आता है फ्रंट पेज पर जीमेल और याहू वगैरह पर साइन इन का ऑप्शन. साइन इन का मतलब है यू आर बिकमिंग अ मेंबर, आप रजिस्टर कर रहे हैं व्हेन यू लॉग इन टू अ वेबसाइट. डोंट फॉरगेट टू साइन इन व्हेन यू गेट टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा साइन अप. साइन अप का क्या मतलब होता है? साइन अप मीन्स इफ यू साइन अप टू समथिंग लाइक अ वेबसाइट और अ जिम एटसेट्रा, आप उसके सदस्य बन रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तब इस्तेमाल होता है साइन अप. इफ यू वुड लाइक टू साइन अप फॉर आर फ्रेंच प्रोग्राम, फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट इट एट द रिसेप्शन. ये इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है सिट बैक. सिट बैक का मतलब होता है इट मीन्स टू डू नथिंग, कुछ नहीं करना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एन एफर्ट टू गेट वॉट यू वॉन्ट. हम कभी कभी हिंदी में ऐसे कहते हैं ना, अरे आप तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, ये उसका इंग्लिश है. यू आर जस्ट सिटिंग बैक, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. सिट बैक का मतलब होता है एक्चुअली जब आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, आप बैठे हुए हैं. इफ यू वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स यू हैव टू मेक एन एफर्ट, यू कांट जस्ट सिट बैक एंड वेट फॉर पीपल टू कॉल यू. सिट थ्रू एंड स्लिप अप. सिट थ्रू का मतलब होता है किसी लंबे भाषण के दौरान, किसी मूवी के दौरान, मैच के दौरान, शुरू से लेकर आखिर तक वहां पर उपस्थित रहना. इफ यू सिट थ्रू समथिंग लाइक अ लॉन्ग स्पीच, अ बोरिंग शो एटसेट्रा, यू वेट अंटिल इट इज ओवर बिफोर लीविंग. और अधिकतर इन केसेस में आप उस चीज को इंजॉय नहीं कर रहे हैं. सिट थ्रू. वी हैड टू सिट थ्रू अनदर ऑफ द चेयरमैन्स डल स्पीचेस बिफोर द अवार्ड्स वर अनाउंस्ड. स्लिप अप. स्लिप अप का मतलब होता है कोई छोटी सी गलती हो जाना, और ये जो गलती हुई है ये इंटेंशनली नहीं हुई है, ये लापरवाही की वजह से या बाई चांस आप भूल गए हैं, केयरलेसनेस की वजह से हुई है. इट मीन्स टू मेक अ स्मॉल मिस्टेक, यूजली बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस. वेन आई एम इन अ हरी आई स्लिप अप इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. स्लिप अप. स्लो डाउन. स्लो डाउन का मतलब होता है और धीमा हो जाना, टू बिकम स्लो, किसी चीज को धीमा करना, स्लो डाउन योर पेस. द रिसेशन विल स्लो डाउन आर ग्रोथ रेट. मंदी की वजह से उतनी तरक्की नहीं हो पाएगी जितनी की उम्मीद कर रहे थे, तो ऐसी सिचुएशंस में हम इस्तेमाल करते हैं स्लो डाउन. स्लो डाउन योर पेस, स्लो डाउन योर वॉक, मतलब कि थोड़े स्लो हो जाइए. सॉर्ट आउट. सॉर्ट आउट का मतलब होता है चीजों को व्यवस्थित करना. सारी चीजें एक साथ मिक्सडअप है, आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं. डिफरेंट कलर्स ऑफ सॉक्स जो है वो मिक्सडअप है, तो आप उनके जोड़े बना रहे हैं, पेयर्स बना रहे हैं. ये एक एग्जांपल है सॉर्ट आउट, ये होता है सॉर्ट आउट. आई नीड टू सॉर्ट आउट द रिसीट्स एंड बिल्स ऑफ द लास्ट मंथ. स्पीक आउट एंड स्पीक अप. स्पीक आउट का मतलब होता है पब्लिकली जनता के सामने अपनी कोई पोजीशन रखना, आप किसी मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो जनता के समक्ष रखना. यू मस्ट स्पीक आउट. पब्लिकली किसी चीज को अपोज करना, डिफेंड करना, बचाव करना, इन सभी स्थानों पर इस्तेमाल होगा स्पीक आउट. स्पीक आउट के स्थान पर आप एक और फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है स्पीक अप. स्पीक अप. You must speak up and express your opinion in front of your father that you do not wish to join medical. इसका मतलब है स्पष्ट रूप से किसी के समक्ष अपनी बात रखना. Speed up. Speed up, अभी हमने slow down किया. Slow down का क्या मतलब था? कि धीमा कर देना. Slow down the flame. Flame धीमा कर दीजिए. और speed up का मतलब होता है गति लाना. अगर आपके एग्जाम में अभी 6 महीने हैं तो यू विल स्लो डाउन द पेस, लेकिन अगर अभी अगले हफ्ते ही एग्जाम होने वाला है, यू विल स्पीड अप योर प्रेपरेशंस, आप उसमें स्पीड ऐड करेंगे.
इट मीन्स टू मूव फास्टर, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ समथिंग, एक्सेलरेट करना. इफ यू डोंट स्पीड अप द प्रेपरेशन फॉर द वेडिंग, वी विल बी इन अ बिग मेस. स्प्रेड आउट एंड स्टैंड बाई. इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्प्रेड आउट, दे मूव अ पार्ट सो दैट देर इज मोर स्पेस बिटवीन देम. इसका सिंपल मतलब होता है फैलना. फैलना, अगर मैं आपसे कहती हूँ स्प्रेड आउट ऑन द स्टेज, मतलब कि स्टेज पर फैल जाइए. स्प्रेड आउट नियर द बॉर्डर, बॉर्डर के पास फैल जाइए. द डांसर्स स्प्रेड आउट ऑन द स्टेज एंड यूज्ड इट वेरी वेल. सिंपल है इसका फैलना. स्टैंड बाई, इफ यू आर स्टैंडिंग बाई, यू आर रेडी टू डू समथिंग और हेल्प समबडी. स्टैंड बाय का मतलब होता है कि वहां पर उपस्थित होना, बाय चांस आपकी जरूरत ना पड़ जाए, बाय चांस जरूरत ना पड़ जाए. जैसे फॉर एग्जांपल जो मैचेस वगैरह होते हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, फुटबॉल मैचेस होते हैं, उनमें क्या होता है, वहां पर देयर इज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हु एक्ट एज अ स्टैंड बाय, मतलब वो वहां उपस्थित होते हैं बाय चांस अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए. A doctor's team will stand by during the World Cup football in case any player is injured. Next है हमारा एक और stand by. और इस stand by का अर्थ क्या होता है, चलिए ये देखते हैं. यहां पर it means if you stand by someone, you support them. हम कहते हैं ना कि किसी के पीछे खड़े होना, पीछे खड़े होने का मतलब क्या है कि कोई भी गड़बड़ हो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं. आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, स्टैंड बाय योर चिल्ड्रन, स्टैंड बाय योर हस्बैंड, इन सब का मतलब क्या है कि उस इंसान को सपोर्ट करना, उसको समर्थन देना. पेरेंट्स स्टैंड बाय देयर चिल्ड्रन इफ दे आर अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना. लेटर्स एंड सिंबल्स स्टैंड फॉर समथिंग. फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट्स में रेड लाइट जो है इट स्टैंड फॉर स्टॉपिंग, मतलब कि वो उसका संकेत है, उसकी सूचक है. इफ लेटर्स और सिंबल्स स्टैंड फॉर समथिंग, दे रिप्रेजेंट दैट थिंग. एम ए स्टैंड फॉर मास्टर्स इन आर्ट्स. एस बी आई स्टैंड फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एस एस सी स्टैंड फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. ये है स्टैंड फॉर. और स्टैंड फॉर का एक और मतलब भी होता है. स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी चीज का प्रतिनिधित्व करना. प्रतिनिधित्व करने का मतलब क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना. इफ अ पर्सन और अन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर सर्टेन आइडियल्स प्रिंसिपल्स. लोग सिद्धांतों के लिए खड़े होते हैं, इसका मतलब है कि वो उसमें बिलीव करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी दैट स्टैंड्स फॉर अ ग्रेट कंट्री. नेक्स्ट है हमारा स्टैंड आउट. स्टैंड आउट का मतलब होता है इजीली आइडेंटिफाइएबल. और इजीली आइडेंटिफाइएबल का अर्थ क्या है, इसका मतलब होता है कि आप उसको आसानी से पहचान पा रहे हैं. इजीली आइडेंटिफाइएबल, मान लीजिए किसी इंसान की हाइट 6 फीट 4 इंच है, तो दूर से ही आपको पता चल जाएगा भीड़ में कि वो कहां है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत आउटस्टैंडिंग है. इफ समबडी स्टैंड आउट, दे आर इजी टू सी बिकॉज देर इज समथिंग अनयूजुअल अबाउट देम. There is something unusual. His green hair certainly makes him stand out in the crowd. Stand up for. Stand up for का मतलब होता है कोई आइडिया, कोई इंसान, उसके बचाव में खड़ा होना जबकि चारों तरफ से उस इंसान की जबरदस्त निंदा हो रही है. वो होता है जब उसकी जबरदस्त क्रिटिसिज्म हो रही है, उसके फेवर में खड़ा होना कहलाता है स्टैंड अप फॉर. Every girl must learn martial arts so that she can stand up for herself in times of need. Start off का बड़ा सिंपल सा मतलब है शुरुआत करना. शुरुआत करना, किसी भी चीज की शुरुआत हो सकती है. It means to begin in a particular way or a particular act. Most religious functions in India, they start off by the Ganesh Vandana. The Republic Day celebrations started off with the flag hoisting ceremony. Start out and stay away from. Start out का मतलब होता है जीवन की शुरुआत होना, करियर की शुरुआत होना, और वो भी एक विशेष तरीके से ना, पर्टिकुलर वे. He started out as a teacher, but now he writes articles online. Stay away from. Stay away from का मतलब होता है सिंपली किसी चीज से दूरी बनाना,
डिस्टेंस मेंटेन करना, दैट इज टू स्टे अवे फ्रॉम. इफ यू स्टे अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, यानी कि आप उसको उसके करीब जाने से बच रहे हैं, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं. माय डॉग इज डेंजरस, स्टे अवे फ्रॉम इट. स्टे अप एंड स्टेप अप. स्टे अप का मतलब होता है देर रात तक जागना, बहुत देर रात तक जागना, लेट नाइट सोने जाना. ऐसा कब होता है? ऐसा उन दिनों होता है जब आप देर रात तक जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप देर रात तक जाकर कोई मैच देख रहे हैं, पार्टी है, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस एटसेट्रा. आई स्टेड अप लेट टू वॉच द वर्ल्ड कप फाइनल. स्टेप डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्टेप डाउन का सिंपल मतलब है रिजाइन करना, इस्तीफा देना, अपने पद से नीचे उतरना कहलाएगा स्टेप डाउन. स्टेप डाउन इट मींस टू रिजाइन फ्रॉम अ जॉब अ पोजिशन. The team's manager said that he would step down after the World Cup finals. बहुत बार कोई important खिलाड़ी होता है, team captain वगैरह होते हैं, वो कहेंगे कि match खत्म हो जाने के बाद, ये World Cup हो जाने के बाद, मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा. तो ऐसे situation में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि I will step down after the World Cup. Next है हमारा step up and stick out. स्टेप अप और स्टिक आउट का क्या मतलब होता है, चलिए ये देखते हैं. स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब होता है टू इंक्रीज द लेवल और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग. स्टेप डाउन और स्टेप अप जो हम देख रहे हैं, इसका मतलब होता है किसी चीज का लेवल ऊपर कर देना. स्टेप अप, द प्राइम मिनिस्टर्स सिक्योरिटी वॉज स्टेप्ड अप लास्ट मंथ आफ्टर द थ्रेटनिंग कॉल्स. यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को और इंटेंसिफाई किया गया, और सशक्त किया गया, और पावरफुल बनाया गया, क्योंकि कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स आए. और इसमें हमें देखना है कि क्या क्या स्टेप अप किया जा सकता है. सिक्योरिटी, कैंपेन्स, एफर्ट्स, प्रेशर, पेस, प्रोडक्शन, फाइट, स्ट्रगल, ये सभी स्टेप अप की जा सकती हैं. स्टिक आउट, स्टिक आउट का मतलब होता है कि किसी चीज का जो बॉर्डर है उससे बाहर निकलना. इफ समथिंग इज स्टिकिंग आउट, इट इज कमिंग आउट बियॉन्ड द एज, कि चीजें बाहर, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलना. टीथ कैन स्टिक आउट फ्रॉम द माउथ, गन्स कैन स्टिक आउट फ्रॉम पॉकेट्स, रेलिंग्स कैन स्टिक आउट. आई न्यू ही हैड अ गन बिकॉज इट वॉज स्टिकिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट. स्टिक टू एंड स्टिक विद, वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल स्टिक टू समथिंग. आप स्टिक टू का मतलब होता है यू डोंट स्टॉप डूइंग इट, आप उस चीज को कंटिन्यू करेंगे. जब आप किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं तब हम कहते हैं स्टिक टू. ही स्टक टू व्हाट ही वाज सेइंग, उसने जो बात कही वो उस बात पर डटा रहा. स्टिक टू का मतलब डटा होना भी होता है. सबने उसका विरोध किया पर वो अपनी बात पर डटा रहा. एवरीबडी अपोज्ड हिम बट ही स्टक टू हिज प्रिंसिपल्स, वो अपने सिद्धांतों पर डटा रहा. इफ यू स्टिक टू समथिंग यू डोंट स्टॉप डूइंग इट, और यू Don't stop trying to do it. You maintain. You have to stick to hard work if you want to clear the exam. Stick to the diet plan. You will definitely lose weight. He stuck to his principles in spite of stiff opposition. Next है हमारा stick with. Stick with का मतलब होता है it means to continue with the same thing instead of changing to something else. जो आपके पास है आप उसी पर खुश हैं. He decided to stick with his current job for the time being as there were no better offers. यानी कि अभी फिलहाल उसके पास जो जॉब थी उसने उसी को कंटिन्यू करने का फैसला लिया. Stop over and storm out. Stop over कहाँ इस्तेमाल होता है? Stop over उन सभी जगहों पर इस्तेमाल होगा जहां आप एक डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी की ओर जा रहे हैं और रास्ते में किसी जगह पर आप थोड़े समय के लिए रुकेंगे, तो वो स्टॉप ओवर है. It means to stop at a place and stay there for one or two days while you are on a way to somewhere else. आपको जाना है दिल्ली से लखनऊ और आप डिसाइड करते हैं कि ओके कुछ टाइम के लिए मैं इलाहाबाद में रुकूंगा, तो इलाहाबाद आपका स्टॉप ओवर है. I am stopping over in Bangkok for one night on my way to Sydney. Storm out. स्टॉर्म आउट का मतलब होता है गुस्से में, नाराज होकर, अपसेट होकर किसी जगह से चले जाना. स्टॉर्म आउट ये होता है स्टॉर्म आउट. स्टॉर्म क्या होता है? तूफान. और तूफान की तरह जब आप किसी जगह से जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप गुस्से में गए हैं, आप अपसेट होकर गए हैं. जब आप अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और मार्क्स बड़े कम होते हैं तो क्या होता है, वो गुस्से से बाहर जाएंगे आपका रिपोर्ट कार्ड आपके ऊपर फेंक कर. सो दे हैव स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम.
My mother stormed out and slammed the door behind her when she saw the condition of my room. Sum up and switch off. Sum up का मतलब होता है किसी चीज को ब्रीफली बताना, किसी चीज की समरी देना. और समरी देने का मतलब क्या है? ब्रीफली आप उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है. He summed up the trip in 5 sentences. यानी कि उसने मुझे 5 sentences में बता दिया कि क्या हुआ. At the end of the essay, sum up your main arguments. At the end of the lecture, the teacher sums up the main point. Lecture sum up हो सकता है, talks sum up हो सकती हैं, proposals, ideas, essays, arguments, viewpoints, ये सभी sum up हो सकते हैं. Next है हमारा switch off. स्विच ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना. ये तो बहुत कॉमन है. स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन हम कितनी बार कहते हैं, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी. जिन चीजों के बटन होते हैं हम और हमें उन्हें ऑन ऑफ करना होता है, वहां पर स्विच ऑफ स्विच ऑन भी इस्तेमाल होता है और पुट ऑन पुट ऑफ भी इस्तेमाल होता है. वन मस्ट स्विच ऑफ द फैन एंड लाइट बिफोर वन लीव्स द रूम. लाइट्स, फोन्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, टेलीविजन, फैक्स मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, ये सभी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्विच ऑन, जिसके बारे में मैंने अभी बात की. ये है स्विच ऑफ का ऑपोजिट, जिसमें आप किसी चीज को ऑन कर रहे हैं. माय पीएन गेट्स टू द ऑफिस फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड देन ही स्विचेस ऑन ऑल द कंप्यूटर्स. लाइट्स, फोन्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, टेलीविजन, ये सभी स्विच ऑन होते हैं. और इसी के साथ हमारी ये प्रेजेंटेशन खत्म हुई, जिसमें हमने वो सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स किए जो शुरू होते हैं अल्फाबेट एस से. आप को कहीं से कुछ भी और देखने की आवश्यकता नहीं है, ये काफी है. मैंने आपको मीनिंग्स बताए, मैंने आपको साथ में सेंटेंसेस में यूज करके और भी साथ में एग्जांपल्स दिए और कहां कहां इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है वो भी बताया है. तो ये आपके लिए काफी है, सफिशिएंट है. डोंट रेफर टू एनीथिंग एल्स. और फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में काफी बार आते हैं. बहुत बार आपको पैसेजेस समझने में, स्पॉट द एरर इन द सेंटेंसेस, क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. आप इनको कीजिए, डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा. इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन. एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू वॉच इट इन इंग्लिश, देर इज अनदर वन फॉर देम, दे कैन ऑप्ट फॉर दैट वन. Thank you, bye-bye, and all the best.